हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम अपनी कॉस्टिंग की वीडियो कंटिन्यू करेंगे। हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। सो बेसिकली आज के हम टॉपिक में देखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट सिस्टम। अब आपको कॉस्ट सिस्टम किन किन बेसिस पे इंस्टॉल करना है, वो कौन कौन से पैरामीटर है जो आपको ध्यान में रखने अपना कॉस्ट सिस्टम इंस्टॉल करने से पहले। द फॉलोइंग पॉइंट्स नीड टू कंसिडर बिफोर इंस्टॉलिंग कॉस्ट सिस्टम। कौन कौन से सिस्टम है, पहले आपको क्या जानने की जरूरत है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो, क्या उसका मेथड है, क्या उसकी स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन है, क्या आप कितनी वैरायटीज प्रोड्यूस करोगे, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे, ये सब आप क्या करोगे, कंसीडर करोगे कॉस्ट सिस्टम इंस्टॉल करने से पहले, और अदर कोई टेक्निकल एस्पेक्ट्स है उनको भी डिटरमाइन करोगे। तो ये पॉइंट क्या है, आपको ध्यान में रखने है, तभी तो आप अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर डिफाइन करोगे, कॉस्ट सिस्टम डिफाइन करोगे। सेकंड पॉइंट है साइज लेआउट ऑफ फैक्ट्री शुड बी स्टडीड। आपको देखना पड़ेगा आपके पास कितना फैक्ट्री का साइज अवेलेबल है, क्या उसका लेआउट है, तभी तो आप बताओगे कि आप कितनी प्रोडक्शन कर सकते हो, कौन सी प्रोडक्शन कर सकते हो, और कैसे आपके पास जो प्रोडक्ट है उसको कैसे कैसे आप उसको प्रोसेस कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3 है द मेथड्स ऑफ परचेज। आपको मेथड्स ऑफ परचेज, कैसे आप खरीद रहे हो, क्या उसकी रिसीट है, कैसे आप स्टोर कर रहे हो, कैसे आप इश्यू कर रहे हो, वो भी आपको डिटरमाइन करने की जरूरत है। बहुत सारे मेथड्स हैं आगे इश्यू के चलते, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, एवरेज, जो हम आगे वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। द वेज पेमेंट मेथड शुड बी स्टडीड। आपको देखना पड़ेगा कि वेज पेमेंट मेथड कौन सा है। पॉइंट नंबर 5 है द कॉस्ट ऑफ सिस्टम टू बी इंस्टॉल शुड बी कंसीडर्ड। जो आप सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो, जो मशीनरी इंस्टॉल कर रहे हो, वो भी आपको कंसीडर करने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 6 है द सिस्टम शुड बी सो डिजाइंड दैट कॉस्ट कंट्रोल कैन बी इफेक्टिवली एक्सरसाइज। आपको ऐसा सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा जिससे क्या हो, आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सको, कॉस्ट इफेक्टिव कर सको, कॉस्ट सेव कर सको, ऐसे आपको सिस्टम्स डिजाइन करने हैं। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, आपको सारी चीजों का एनालिसिस करना पड़ेगा। द सिस्टम शुड बी सिंपल एंड ईजी टू ऑपरेट। जो आपको सिस्टम बनाना है वो बहुत ही सिंपल बनाना है। आप ट्राई करें कि आपका जो कॉस्टिंग सिस्टम बहुत सिंपल हो और ईजी टू ऑपरेट हो सके। तो बिफोर स्टार्टिंग और इंस्टॉलिंग अ न्यू कॉस्ट सिस्टम आपको ये सारी बातें कंसीडर करनी है। बेसिकली फ्रेंड्स, अब हम छोटा सा एक कॉस्ट होती क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से समझना, और अगर आपको इससे रिलेवेंट कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। कॉस्ट होती क्या है, कॉस्ट इज अ मेजरमेंट इन मॉनिटरी टर्म्स। किसी भी चीज को मॉनिटरी टर्म्स में मेजर करना ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज। इसका मतलब अगर हम हिंदी में बात करें तो जो भी पैसा आप उसको प्रोडक्ट को बनाने में लगाते हो या उस सर्विसेज को देने में लगाते हो, वो कॉस्ट है। तो क्या है, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अ गिवन थिंग और टू एसरटेन द कॉस्ट ऑफ अ गिवन थिंग। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, जितना पैसा आप खर्च करते हो, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर उस चीज को बनाने में, और टू एसरटेन द कॉस्ट ऑफ अ गिवन थिंग। मैं आपको फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल बताती हूँ, इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है ABC लिमिटेड, वो पेन की मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। पेन बनाने के लिए वो रॉ मटेरियल लेगी, फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल लगा 2 रुपीज का, लेबर होगी जो उस पेन को बना रही होगी, कुछ इनडायरेक्ट खर्चे होंगे, तो ये सब क्या है, 3 to 5 or 7 रुपीज क्या है इसकी कॉस्ट है। 7 रुपीज का क्या बन रहा है, पेन हमें पड़ रहा है, ये हमारी कॉस्ट है। तो क्या है, इट कैन बी डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चा आपने इस पेन को बनाने पे लगाया, जब भी आप पेन को बना रहे हो जो भी खर्चा आपने लगाया है 7 रुपीज फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, तो आपका क्या है, वो इसकी कॉस्ट है। सो बेसिकली कॉस्ट क्या है, जो भी खर्चा आप लगाओगे वो कॉस्ट है। हम आगे की वीडियो में एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, उनके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।